नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के कानपुर की है और वीडियो में दिखाई दे रहे शख्स कोई और नहीं बल्कि यूपी के कैबिनेट मंत्री सतीश महाना है, जो चाय की दुकान पर चाय बना रहे हैं। पूरा मामला समझाने से पहले देखें वीडियो। बता दें कि कानपुर में लोग उस वक्त हैरान रह गए जब योगी सरकार के मंत्री सतीश महाना को एक दुकान पर चाय बनाते हुए देखा। हालांकि पहले तो लोगों को ये यकीन नहीं हुआ कि ये मंत्री जी हैं, लेकिन जब पास जाकर देखा तो मामला सच निकला। जैसे ही लोगों को इसका पता चला मंत्री जी चाय बना रहे हैं, लोगों का चाय की दुकान पर हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान कई लोगों ने मंत्री सतीश महाना का वीडियो बना लिया और फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। दरअसल कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने शनिवार को काली मंदिर रोड की चाय की दुकान पर पहुंचे थे। यहां उन्होंने दुकानदार से हालचाल पूछा, इसके बाद खुद चाय बनाने लगे। चाय बनाते देख आसपास निकल रहे लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। कैबिनेट मंत्री के हाथ की चाय पीने के लिए हर कोई आतुर दिखा। बता दें कि सतीश महाना जनता दरबार लगाकर निकले थे। इस दौरान उन्हें स्वर्गीय परवेश की चाय की दुकान दिखाई दी। परवेश की पत्नी उर्मिला देवी खुद चाय बना रही थी। सतीश महाना दुकान पर जाकर खुद चाय बनाने लगे, इसके बाद आसपास खड़े लोगों को चाय पिलाई। सभी ने चाय की तारीफ की। बता दें कि उर्मिला देवी के पति परवेश की महामारी की चपेट में आकर पिछले दिनों मौत हो गई थी। उर्मिला देवी पति की दुकान को खुद चलाकर परिवार का पेट पालती है। महाना ने उन्हें हर संभव मदद का वादा किया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसको लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। नेता भी अब जनता के बीच जाकर उनका हालचाल लेने लगे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।